3.2 का कौन सा थर्ड का थर्ड ठीक ना। क्या बोला क्वेश्चन में x-2y=6 यही ना है। इसका सारणी बनाओ तो क्या हो जाएगा इसका सारणी, यहाँ पे x, यहाँ पे x का मान तो y पर क्या आएगा -3 आएगा ना। अब इसका मान क्या रख दिए 0 तो y का मान क्या आएगा आएगा कि नहीं। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 3x-6y = क्या होगा 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसका सारणी बनाते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो एक बार किसको 0 रख दो, x को क्या रख दे एक बार 0 तो y क्या आएगा 0 ही आएगा आएगा ना। और जब 0 0 आ जाता है तो क्या बोले हैं 1 2 रख देना एक बार ठीक है। अगर हम किसका मान y का मान 1 रख देते हैं, y का मान क्या रख दिए चलो 1 रखो देखना है ना, 1 रख दिए तो 6 6 होगा कि नहीं, तो -6 होगा उधर जाएगा तो +6 और 3 क्या कर रहा है उधर क्या करेगा तो 6 में कौन भाग करेगा कितना आएगा आएगा कि नहीं। अगर एक चार और लेना चाहते हैं तो बढ़ा देना, इसका x का मान एक रखते हैं, x का मान क्या कर दिए एक तो 3 का काम 6y = 0 तो 6y उधर जाएगा 6y = 3 तो y बराबर क्या आ जाएगा 3/6 ये भी सही है। हम लोग को इजी से इजी चाहिए ठीक है। ये भी लक्ष्य कितना गया 3/6 या काट दो तो कितना जाएगा 1/2 इसको भी काट दो कितना जाएगा 0.5 ये भी सही है सब सही है ठीक है। चलो अब इसे क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। माइनस का भी है माइनस में है हाँ माइनस में यानी माइनस का भी बनाना है ये x और ये x डैश ठीक, ये y और ये y डैश ठीक। यहाँ पे क्या रखती है 1 2 कहाँ तक गया 6 तक 3 4 5 6 एक का लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 ठीक ना। चलो रखते हैं वैल्यू x का मान 0 तो y का मान माइनस तीन कहाँ है इधर रहेगा ना y का मान नीचे ना है ना नीचे यहाँ पे माइनस तीन ये y का 0 तो x का 6 कहाँ है 1 2 3 4 5 यही ना है। अब ये ऐसे मिला दो ये हो जाएगा मिला देना इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा किसका है x-2y = 6। नेक्स्ट क्या है दूसरा वाला x का 0 y का भी तो 0 0 कहाँ है 0 0 यही है x का 2 x का 2 2 चलोगे तो 1 2 इसलिए चलेगा ये देखो ऐसे चलेगा y की कितना है 1 1 यही है कहाँ पे कट होगा ये ना एक बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु कौन था 0 0 है ना। अच्छा तो बना था साथ कटेगा कभी नहीं सकता है ठीक ना। ये किसका ग्राफ है 3x-6y = 0 हो गया। अब इसका हल चाहिए तो इसका देखो अगर यहाँ पे देखो सीधे क्या है ना अगर ये ग्राफ अच्छा से बना तुम लोग अगर सीधे गया होगा सीधे एकदम कहीं टच नहीं किया है तो समांतर है इसका कोई हल नहीं इसका कोई हल नहीं। कब जब एकदम समांतर गया होगा तब ये टच में नहीं होगा तो क्या आंसर है इसका आंसर क्या है ना नोट कर लो बनाओ अपने से बाप। संगतता की जांच ना बाकी का ग्राफ बना लेना सीखो अब ये बहुत समय है स्टार बना इसमें हम लोग मान लेते हैं माना क्या
माना दो रेखाएं, ठीक है, या फिर दो समीकरण, क्या a1x plus b1y plus c1 equal 0, और दूसरा क्या मान लेते हैं a2x plus b2y plus c2 equal, ये क्या है? देखो अभी जैसे हम लोग चले थे ना 2x plus 3y बराबर में 6, इस टाइप का था कि नहीं, तो x वाला a मान लिए हैं, कुछ भी हो सकता है, a1 की तरह कुछ भी हो सकता है, x और था इस टाइप का था कि नहीं, तो दूसरा वो मान लिया a1 के जगह x का वाला a1 x2, ये दूसरा समीकरण, तो दूसरा वाला के a2, ये b1 b2, और जो c है c को जब इधर लाओगे बराबर में क्या रखोगे, जब बराबर में 6 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0, तो वो कंडीशन है, ठीक है। तो क्या मान लिया हम लोग, दो समीकरण मान लिए। अब इसे हम क्या देखेंगे, अनुपात, क्या देखेंगे, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, हाँ तुलना, ठीक ना, ये क्या देखेंगे, थोड़ा सारणी बना, चार्ट बना लेते हैं, इसी में सब क्या करोगे समझ आओगे। ज्यामितीय व्याख्या या आलेखीय व्याख्या, दो चले थे ना हम लोग, ज्यामितीय और एक क्या चले थे बीजगणितीय, ठीक ना, आलेखीय निकाय, आलेखीय निकाय, दूसरा क्या हो जाएगा बीजगणितीय व्याख्या, ठीक ना, बीजगणितीय व्याख्या, दूसरा था संगतता, क्या संगतता, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, अब इसमें है क्या, आलेखीय निरूपण कर लेना इसको ना, आलेखीय निरूपण, देखो इसमें अनुपातों, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, तो जब a1 का बट्टा a2 के साथ, a1 बट्टा a2 एक, और b1 का b2 के साथ, b1 का b2 के साथ, अगर इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, देखो क्या लग गया, क्रॉस लग गया ना, बराबर का मतलब दूसरा होता है, इतना क्या लग गया है क्रॉस, बराबर नहीं है, तो आलेखीय निरूपण जो होता है कौन सा रेखा जाएगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना, कौन सी रेखा आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब ये देखो, जरूर दोनों रेखा का होंगे टचिंग में होंगे, यानी कटेंगे, कहां पर भी कटेंगे, कोई ग्राम नहीं, तो कट दिखा दिए, ठीक ना, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना, बीजगणितीय व्याख्या, बीजगणितीय देखो कितने जगह काटा है, तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे, कितने हल होंगे, इसी का नाम होता है अद्वितीय, अद्वितीय हल, क्या नाम होता है अद्वितीय, ठीक ना, द्वितीय का मतलब क्या होता है, दो, दो लग गया का, और मतलब दो नहीं तो कितना, एक, इसी को बोलते हैं क्या, एक हल या अद्वितीय हल। संगतता अब बताओ, कटे तो टच में होगा कि नहीं, तो क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, होगा कि नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, अगर A1 का A2 के साथ, B1 का B2 के साथ, C1 का, सब आपस में क्या है, मतलब इसका बटे इसका, इसका बटे इसका, इसका बटे इसका, सब बराबर है, तो सब बराबर है, तो सभी लोग एक साथ चल रहे हैं कि नहीं, चल रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, समांतर समपाती रेखा, बराबर है ना, बराबर है, इसको बोलते हैं क्या, समपाती, ठीक ना, समपाती रेखा, समपाती रेखा का मतलब क्या होता है, अब समझो, संपाती रेखा का मतलब एक रेखा तो खींच लिए, तो दूसरा रेखा इसी पर, दूसरा भी रेखा इसी पर, तब उसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखा,
समझ में आया? यहाँ वैल्यू पहला लेखा इसी पर है और दूसरा लेखा भी ठीक है। ये पहला लेखा ऐसे है तो दूसरा लेखा ऐसे कट हुआ, इसी को तो संपाती लेखा। हल बीजगणित की व्याख्या में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे दिमाग लगाओ। अनंत, जितना टच उतना हल बताओ। यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, कितना जगह टच किया, बहुत जगह टच किया, इसीलिए कितना हल, अनंत हल। देख लो संपाती पे, जितना टच उतना हल। एक जगह देखो, एक जगह टच है एक हल, जिसको बोलते हैं अद्वितीय है। संगतता बताओ, संगत या संगत, ये तो संगत ही संगत है, हर जगह साथ साथ है। तीसरा कंडीशन, अगर A1 का A2 के साथ बराबर है B1 का और C1 वाला बराबर नहीं है, C1 वाला, यहाँ पर देखो इसको बराबर हो चाहे ना हो, C1 बटा C2 हो चाहे उसे कटने, बस पहला से कटे। इसमें क्या है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। देखो तो बराबर नहीं है तो ये अलग भागेगा और ये वाला भी अलग भागेगा, तो ऐसे ही रेखा को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। मतलब ये अलग भाग रहा है और ये अलग, तो मतलब कैसा होगा, ये अलग भाग रहा है तो ये अलग भागेगा, टच में आएगा नहीं आएगा, इसी को बोलते समांतर हो गया, टच में आया ही नहीं। हल में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तुम देख लो जब ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा आया तो प्रतिच्छेदी रेखा एक हल, ऐसा आया एक पर एक ही हल, संपाती रेखा अनंत हल। अगर कहा गया समांतर आ गया, कोई हल नहीं, कोई टच नहीं करेगा, तो जब अभी ग्राफ चेक किए ना हम लोग, लेकिन जब उसका चेक करोगे तो ई वाला कंडीशन आएगा, यही वाला कंडीशन आएगा, ठीक ना। अब संगतता बताओ, संगत या असंगत, संगत असंगत, असंगत ना जी, टच में है। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन अब क्या है, पीछे वाला क्वेश्चन ऐसा करना पड़ा था कि नहीं, अब देखना उसका ई वाला टच चेक करेंगे ना, A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर होगा, लेकिन C1 बटा C2 बराबर क्या था, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जस्ट जो नोट किया बता, उसका इक्वेशन बता, सिर्फ इक्वेशन बताओ। x माइनस टू वाई बराबर सिक्स, दूसरा क्या था, 3x माइनस 6y इक्वल, देखना A1 का मान कितना है, A1 का मान x है कि और A2 का मान, A1 का मान क्या है एक, और A2 का मान कितना है, ध्यान है 3। चलो B1 बटा B2 निकाल दो, B1 का मान कितना है, B1 का मान माइनस 2, B2 का मान कितना है माइनस 6, माइनस कट गया कितना है 1 बटा 3, C1 बटा C1 का मान कितना है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और यहां 0 तो 0 कितना आ जाएगा, माइनस। देखो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का है कि नहीं, लेकिन C1 बटा C2 नहीं है। देखो अगर ऐसे चेक करते हो, ऐसे चेक करते हो तो कंडी, अब बताओ ऐसा गया ना ऐसा, तो तुम दिमाग लगाओगे इस कंड A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं और असंगत है। समझ में आया, ये चार्ट नोट करो, ये सब चीज बात की समझ के, लेकिन इसको याद कैसे करोगे, देखो एक बार याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, देखो A1 बटा A2 B1 बटा B2 काट दिया, क्या किया, तो तुम दिमाग में फिट कर लो, काट दिया तो एक हल, अब काटा है तो टच में है, यानी क्या है संगत हल, इसका तो यही होगा कि नहीं, तो प्रतिच्छेदी रेखा काटा है, प्रतिच्छेदी रेखा एक हल, ठीक ना। दूसरा देखो, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर क्या है, सब बराबर, तो सभी लोग एक साथ चल रहे हैं, तो सब क्या है संपाती, संपाती है, कितने हल, हर जगह मुलाकात, अनेक हल, और कैसा होगा, सब साथ साथ है, संगत है। ये देखो ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, जब अलग अलग जाएगा तो क्या होगा, समांतर रेखा मिल ही नहीं रहे हैं, असंगत होगा, कितने हल, कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं ना, टच में नहीं, अब क्या बोला है चौथा क्वेश्चन में, संगत और असंगत का सबसे पहले क्या करना है, जांच करना है, और जांच करने के बाद फिर क्या बोला है, अगर संगत है तब क्यों,
क्योंकि जो संगत है उसका हल है और जो असंगत है उसका कोई भी हल नहीं है। इसीलिए बोला है संगत होगा तभी उसे क्या करना है, हल करना है, अदरवाइज हल नहीं करना है, ये बोला है। चलो चौथा क्वेश्चन का पहला हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन बोलो क्या बोला है, चौथा का पहला x प्लस y बराबर 5 और x माइनस y बराबर 8, ये दिया है ना, हाँ दिया है प्लस x प्लस, अच्छा इस साइड दिया है 2y, हाँ 2x प्लस 2y बराबर 10, अच्छा साइड दिया था ना 2x प्लस 2y बराबर 10, यही है ना। तो तुम इसे काट भी सकते हो, दूसरे देखो दो एकम दो, दो एकम दो, दो पचास दस, वही वाला बना के लिए देखो ऊपर वाला ही बनेगा। यह समीकरण नंबर, यह समीकरण नंबर देखो सबसे पहले करो देखे a1x plus b1y plus c2 बराबर 0 तथा a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर ना, हाँ देखो ये समीकरण एक वाला है, समीकरण नंबर a1 का मान कितना है, a1 का मान 1 है ना, b1 का मान कितना है, b1 का मान 1, c1 का मान क्या है 5 नहीं क्योंकि बराबर तो 0 है, तो इधर कर दोगे ना वही क्या हो जाएगा माइनस 5, या फिर इसको लिख भी सकते हो फॉर्मूले में, कैसे लिखोगे x plus y minus 5 equal 0, इसको भी लिखोगे तो 2x plus 2y minus 10 equal, ये हो गया समीकरण 3, ये समीकरण अब फॉर्मेट में होगा ठीक ना। और a2 का मान कितना है, a2 का मान, b2 का मान कितना है, c2 का मान कितना है कि नहीं, अब तुलना कर लेते हैं, क्या करते हैं अनुपातों की a1 बटे अनुपातों की तुलना नहीं, अनुपात पहले निकालना, क्या निकालना अनुपात, पहले क्या निकालेंगे हम लोग अनुपात, अनुपात के बाद अनुपातों की तुलना, a1 बटा a2, a1 का मान कितना है, a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 बटा b1 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, c1 बटा c1 का मान कितना है, c2 का मान कितना है, माइनस कर जाएगा 5 गुना 1 बटा, यहाँ क्या देखते हो, यहाँ क्या देखते हो, सब बराबर है, a1 बटा 1 बटा 2 1 बटा 2 सब बराबर है ना, a1 बटा a2, b1 बटा c1 बटा, तो सब बराबर है, इसका मतलब क्या है, संगत है, संगत है, सब साथ में चल रहा है, क्या है संगत है, सब क्या है, सब बराबर, तो क्या है संगत है, और जब संगत है तो फिर क्या है अनंत हल है, अनंत हल है तो फिर क्या है संपाति, अतः यह क्या है संगत है, और इसके, और इसके कितने होंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल क्या होंगे अनेक हल, अब अनेक हल है तो कोई पता है क्या है नहीं, बहुत सारे हैं, तो आंसर में क्या दिया बस इसका आंसर यही तक रहा है तो ठीक ना, अनेक हल बहुत सारे हैं ठीक ना, इसका आंसर यही तक रहा है, इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे जाएगा पता है, अगर तुम क्या कर दो ग्राफ बनाया जाए तो x प्लस y बराबर क्या है 5, इसका सारणी बनाओ क्या आ जाएगा एक्स वाई, एक्स समान जीरो वाई समान, वाई समान जीरो एक्स समान 5 आएगा ना, और दूसरा का बराबर है 2x प्लस 2y बराबर क्या 10, दूसरा का भी यही आएगा जस्ट x का मान 0 तो टोटल 0 2y बराबर 10 तो y बराबर 5, इसका यही आएगा ठीक है, ग्राफ बना दोगे ऐसे ठीक, ये x ये y ठीक, 0 क्या कहां तक जाएगा 5 तक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, चलो इसको रखो x बराबर 0 तो y बराबर
पांच पांच ईयर वाई बराबर पांच ना पांच ईयर एक्स का मान पांच ईयर यही रहेगा यही रहेगा यही रहेगा इसका भी क्या रहेगा यही रहेगा दोनों का यही है x प्लस वाई बराबर पांच इसी का भी कौन है 2x प्लस वाई बराबर 10 इसका कितने हल अनेक हल यानी अनंत हल इसी को बोलते हैं ठीक है हो गया चलो नोट डाउन करो फिर एक और क्वेश्चन चलते हैं दूसरा देखो इसका पहला चौथा का दूसरा वो भी क्या है तुम्हारा संपाति ही है देख लो अच्छा से ध्यान से वो भी दो से कटेगा तो सेम दिखेगा है ना दूसरा भी चौथा का दूसरा भी सेम है तीसरा भी सेम है देखो ध्यान से बस तुलना करते जाना ठीक ना वैसे अगर देखने से नहीं निकल रहा है तो क्या करोगे अनुपात निकालना अनुपात से कंडीशन फाइंड कर लेना ठीक ना तीसरा है तीसरा तीसरा नहीं है तो तीसरा देखो इसका चौथा का तीसरा ठीक ना देखो क्या बोला है तीसरा देखो वो तो फॉर्मूला में लिख दिया है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर दूसरा क्या दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल क्या है जीरो है ना तो सबसे पहले क्या करोगे इसे क्या करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल जीरो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो से क्या करने पर तुलना करने पर क्या करने पे चलो a1 का मान कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ जी दो b1 का मान कितना है एक c1 का मान कितना है a2 का मान कितना है b2 का मान कितना है C2 का मान कितना है माइनस है ना क्या काम निकाल लेते हैं अनुपात निकालते हैं इसका किसका अनुपात निकाल लेते हैं A1 बटा A2 A1 का मान A2 का मान कट जाएगा कितना आएगा हाँ B1 बटा B2 B1 का मान हाँ B1 का मान है ना और इसका मान हाँ C1 बटा C2 देखो यहीं से बराबर नहीं आया नहीं आया ना यहाँ यहीं से देखो यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा पहले वाला कंडीशन अतः रेखा कैसी है रेखा प्रतिच्छेदी हल A संगत के संगत अतः यह क्या है संगत है बस संगत जो जो पूछा बस उसे पर लिख तो तीन कट से सकते हो संगत है एक हल है प्रतिच्छेदी रेखा है लिख सकते हैं ना अब चलो इसका ग्राफीय से हल ना इसे क्या निकालते हैं हल कौन विधि द्वारा ग्राफीय विधि द्वारा क्या हल हल करने के लिए कितने विधि दो बीजगणितीय और ग्राफीय ग्राफीय कितने विधि तीन ग्राफीय तो एक ना बीजगणितीय कितने विधि तीन प्रतिस्थापन विलोपन और वज्रगुण ठीक ना चलो इसमें क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं पहले तो साइड बनाएंगे ना समीकरण नंबर एक यही है ना क्या है किसका बनाओगे 2x प्लस y बराबर 6 माइनस इधर क्या होगा हाँ इसका क्या बना लेते हैं ये देखो ठीक यहाँ पे x यहाँ पे x का मान y का मान 0 x का मान ठीक है दूसरा निकालते हैं कौन सा दूसरा है 4x माइनस 2y बराबर 4 होगा ना इसका क्या करते हैं साढ़े बात नहीं x y x का मान तो क्या बचेगा माइनस 2y बराबर 4 तो y बराबर y का मान 0 x का मान समझ में आया ये नहीं आ रहा तो बोलना बहुत इजी है क्वेश्चन इधर का ठीक माइनस भी है हां माइनस ले लेना ये x ये x डैश ये y और ये y डैश कितने कर रहे हैं एक का एक दो तीन चार पांच छह सात ठीक है ना एक दो तीन चार पांच छह सात एक करेगा लिख भी सकते हो एक दो या फिर नहीं भी लिख सकते हो एक करेगा तब ठीक है एक दो तीन ठीक
बनाते हैं x का मान जीरो तो y का मान 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा y का मान जीरो तो x का मान 1 2 3 हो गया ना। ये किसका ग्राफ है 2x + y = 6। नेक्स्ट x का मान जीरो तो y का मान 1 2 यही ना है। देखना एक ही हल सब बात है जैसे ब्रैकेट में लिखे थे ना क्लास वाला वैसा ही बनेगा। x का मान 1 तो y का मान 0 यही ना है। ऐसे था ग्राफ ने याद करो पहला वाला हुआ है कि नहीं। हाँ इसका क्या है देखा 4x - 2y = हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे देखो तुम लोग इसका हल निकालेंगे। हल देखो यही तो काटा ना यही इसका क्या है हल। तो देखो इसको क्या करोगे यहाँ पे गिराओगे ऐसे सीधा गिराओगे ऐसे सीधा स्केल से पेंसिल से जाता ऐसे से करते करते यहाँ गिरा दोगे स्केल रख देना स्केल। तो देखो ठीक है लगभग कहीं पे गिरेगा 2 यही पे गिरेगा ना। और अगर इसका लगभग देखा जाए इसका लगभग तो इसका लगभग कितना आएगा अगर लगभग देखा जाए तो आधा पे आएगा जी 1/2 आ रहा है कितना रहा है 1.5 दे रहा है। तो अगर देखा जाए ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ठीक है ना तो x का मान कितना है x का मान 1 2 2 y का मान देखा जाए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ठीक ना तो नहीं 1.2 इसका भी 2 आएगा लगभग ठीक ना। हाँ 2 ही आएगा देखो ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे लिया है ना अगर ये यहाँ लिया था और ये लगा लिया था हिल जाएगा ये थोड़ा ज्यादा इसलिए y का मान क्या है 2 यही देखो आंसर होगा। हल क्या है x का मान 2 y का मान 2 देखो आंसर दिया है ना। ज्यादा हार्ड नहीं है बस ऐसे ही तो करना है नोट कर लो इसे भी।